कोटा में इन दिनों एक होर्डिंग इसलिए चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि उसमें खान मंत्री प्रमोद जैन भाया पर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। खास बात तो यह है कि कांग्रेस की एक पदाधिकारी होर्डिंग लगाने की जिम्मेदारी भी ले रही हैं और अपनी ही पार्टी के नेता के आचरण पर उंगली भी उठा रही हैं। ये होर्डिंग क्यों लगाया गया है और क्या है इसका मकसद, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और पूर्व मंत्री और विधायक भरत सिंह के बीच की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। जो आरोप भरत सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भाया पर लगाए थे, उन्हीं आरोपों को लेकर भरत सिंह समर्थक पोस्टर वॉर पर उतर पड़े हैं और हाड़ोती में बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर प्रमोद जैन भाया पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि भाया पर लगाए गए सभी आरोप सही है। पोस्टर हमने लगाया है, हमारे माननीय भरत सिंह जी साहब हमेशा खनन के खिलाफ बहुत बोलते हैं और उन्होंने सरकार को भी चेताया, सरकार को भी चिट्ठी लिखी, परंतु सरकार ने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए हम कार्यकर्ताओं को ये पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ी ताकि जनता को भी पता लगे कि यहाँ पे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है और कौन कर रहा है भ्रष्टाचार। खुले अमोरन के पत्थर, रेत, मिट्टी और जो यहाँ की जो खान की झोपड़ियाँ हैं वो हमारे कोटा जिले की है, उसमें वहाँ पत्थर निकलते हैं, उस वजह से बारा जिला में ले रखा है, वो अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि पत्थर खा गए, रेती खा गए, मिट्टी खा गए, ये तो हमारा ये हमने जनता को बताने के लिए किया था कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये पत्थर रेत का सबसे ज्यादा कौन कर रहा है। तो इससे जनता को मैसेज भी मिला, जनता को भी पता लगा कि कौन कितना भ्रष्ट है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय भरत सिंह जी हमेशा ही बोलते हैं और बोलते रहेंगे और उनका साथ हम देंगे। हालांकि प्रमोद जैन भाया के समर्थकों ने इसे ईमानदार और समाज सेवी राजनेता को बदनाम करने की एक साजिश करार दिया है। जो हमारे राजस्थान सरकार के 12 जिले से जो मंत्री हैं, खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, उनकी ईमानदार छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पोस्टर के संबंध में आपका क्या कहना है? उनकी छवि आज पूरे राजस्थान में ईमानदारी के नाम से जानी जाती है और वो उनका जो राजनीतिक करियर है वो ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। तो लोगों की जो ईर्ष्या होती है, राजनीतिक ईर्ष्या सब में होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल होर्डिंग में लगाए आरोपों में सच्चाई है या नहीं ये तो खोजबीन का विषय है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि सरेआम लगे होर्डिंग प्रमोद जैन भाया की छवि को नुकसान जरूर पहुंचा रहे हैं और भविष्य में उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। A1 TV के लिए कोटा 12 से प्रणय विजय की रिपोर्ट।